हेलो गाइस एंड वेलकम टू इंस्पिरेशन आर्ट्स। मैं हूँ सौरभ साहा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप विश्व भारती के जो एमसीक्यू एग्ज़ाम है जो कि 7th को है शायद, तो उसको आप किस तरीके से करेंगे। और हमें जल्दी नोटिस मिला था एक की जो कैंसिलेशन द फॉर्म के बारे में, उसके बारे में मुझको उतना कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, ठीक है। लेकिन अगर फॉर्म जो कैंसिल होता है तो फिर से वो निकलेगा, तो उसके लिए डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको प्रिपरेशन अपनी पूरी रखनी है। 7 तारीख को अपना जो एमसीक्यू हो कि नहीं वो तो हमको बाद में पता चल जाएगा, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन आपको पहले से लेके रखनी है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। आप लोग ने किसी ने बताया भी था कि आपको इस वीडियो ज़रूरत है कि किस तरीके से आप एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे, क्या आपको पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर किस तरीके का पेपर आएगा या गूगल फॉर्म में कैसे आएगा, तो वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये काफ़ी इनफॉर्मल वीडियो, मेरे पास कोई पिछले ईयर का पेपर नहीं है क्योंकि पिछले ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था और गूगल फॉर्म में हुआ था। ऐसा कोई पेपर हमें डाउनलोड करने नहीं मिला था, तो इसलिए वो मेरे पास तो नहीं है। लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दे सकता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस थे, किस तरीके के बाकी सब कुछ थे, तो वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो जैसे कि आपने पिछले बार अगर दिया होगा तो आपको पता होगा कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस है कोलकाता में, जो गवर्नमेंट कॉलेज या फिर जो इंडियन कॉलेज या फिर रविंद्र भारती, उन सब में प्रैक्टिकल एक होता है जहाँ पर आपको एक लाइन ड्राइंग करने बोला जाएगा, कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, या फिर कभी कभी वाटर कलर में भी 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको बनाने मिलता है। लेकिन विश्व भारती में जो एमसीक्यू होता है वो उस तरीके का नहीं होता है। वो बेसिकली होता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे और वो बेस्ड होंगे ऑन बेसिस ऑफ योर लॉजिकल रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड लुकिंग ऑफ आर्ट। तो अगर आप इस तरीके के कोई है जो कि आर्ट देखते हैं, आर्ट के बारे में जानते हैं, या फिर थोड़ा सा भी आप में कॉमन सेंस है, तो वो इमेजेस आप अच्छे से पहचान पाएंगे और उसके साथ साथ उसको आप अच्छे से डिफरेंट जो क्वेश्चन है उसको रीड करके सॉल्व कर पाएंगे। वो वैसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आता उसमें जो कि आपको पूरी तरीके से कुछ मेमोराइज करना पड़ेगा। जैसे अगर आप BHU का एग्ज़ाम देखें तो BHU के एग्ज़ाम में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जैसे कि आर्ट हिस्ट्री से डिफरेंट डिफरेंट एरा से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बिम्बेतका में ये स्कल्पचर है तो ये किधर है, महाराष्ट्र में है कि किधर है, जनरल नॉलेज के बेस्ड थे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जनरल नॉलेज थोड़ा बहुत शायद होगा, लेकिन बाकी जो भी होता है ना वो लॉजिकल बेस्ड होता है। इस बार किस टाइप का क्वेश्चन पैटर्न आएगा वो मुझे भी नहीं पता, हमेशा चेंज होते रहते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन क्योंकि पिछले साल इस काइंड ऑफ आया था तो मैंने सोचा कि आपको बता देना चाहिए कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आए थे पिछले साल, इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। तो जैसे कि कुछ कुछ क्वेश्चंस जो थे मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बताता हूँ किस टाइप के थे। कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जैसे कुछ सत्यजीत रे के जो फिल्म्स थे या फिर अतुल दे के जो फिल्म्स थे, जो डिफरेंट डिफरेंट मतलब वेस्ट बंगाल में जो ग्रेट फिल्म मेकर्स थे उनके कुछ फिल्म के सीन्स दे दिए गए थे। और जैसे कि ओपुर सोमसर जो फिल्म है उसका जो सीन्स, डिफरेंट डिफरेंट सीन दिया गया था और फिर उसमें से बोला गया था कौन सा पहले है कौन सा बाद में है, तो उस काइंड ऑफ एक एरिया था। मतलब ये लॉजिकल बेस्ड यहाँ पर भी आ गया। आपने अगर वो फिल्म देखा है, उसको इंजॉय किया है, तो आपको पता होगा कि वो सीन्स कहाँ पर है, पहले है कि बाद में है। लेकिन अगर आपने जस्ट स्टडी के लिए किया तो वो आपको नहीं पता चलेगा। तो वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको आर्ट के साथ रहना पड़ेगा, आपको आर्ट को इन्जॉय करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तब वो क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी आसान होंगे, नहीं तो थोड़े मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन उसके बाद कुछ और थे जैसे कि लाइट का असर है। एक रेम्ब्रांड का पिक्चर दे दिया गया था, रेम्ब्रांड का सेल्फ पोर्ट्रेट, और वहाँ पर बोला गया था व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ लाइट फॉर द आर्टिस्ट हिमसेल्फ। मतलब हमको उस टाइम रेम्ब्रांड के जगह पर बिठाया दिया गया था और उसको बोलना था कि कहाँ से लाइट का रे आ रहा है हमारे ऊपर। तो एक पेंटिंग को देख के आप जब समझ पाएंगे कि यहाँ पर हमारे शेडोस है, यहाँ पर हमारा हाईलाइट,
है तो इसका मतलब यहाँ से हमारा लाइट आ रहा है, तो ये एक आपको समझना पड़ेगा। तो ये भी एक लॉजिकल बेस था, और उसके साथ साथ कई और डिफरेंट डिफरेंट कुछ सिंबल्स दे दिए गए थे। उस सिंबल्स को आपको बताना था कि ये किस से रिलेटेड है, या तो रेन से रिलेटेड है या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड है। कुछ जम्बल्ड अप पीसेस दे दिए गए थे, जैसे वर्ड जम्बल्ड अप होते हैं ना, कि अम्ब्रेला को हमने जम्बल्ड अप कर दिया कुछ और वर्ड से, फिर एक सेंटेंस बनाना पड़ता है, तो उस टाइप के पिक्चर्स को जम्बल्ड अप दे दिया गया था। मतलब एक थिंकर का पिक्चर जो था, एक स्टेयर केस, एक गांधी जी का पिक्चर, सबको मर्ज करके दे दिया गया था, और हमें सेलेक्ट करना था कि कौन से स्कल्पचर यहाँ पर है। तो इसी तरीके के कुछ लॉजिकल बेस्ड, तो आपके विजुअल जो प्रोवेस है, आपके जो आर्टिस्टिक जो फील है, आप अगर सच में आर्ट फील्ड में आना चाहते हैं तो आप किसी चीज़ को फील करते, किसी चीज़ को अच्छे से देखते, तो वो विजुअल एक नॉलेज इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। तो इसी चीज़ को आप इस एग्ज़ाम में देखते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर कोई स्पेसिफिक बुक पढ़ के जाए, स्पेसिफिक कुछ पढ़ के जाए, तो आई डोंट थिंक कि उतना ज़्यादा हेल्प होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन लेना तो इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सत्यजीत रे, रविंद्रनाथ टैगोर के जो पेंटिंग्स है, उनके कुछ काम है, वो सबको आप देखिए, उसको आप थोड़ा नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए, उसको जस्ट आप सर्व करते जाइए, थोड़ा बहुत देखिए कि कैसे कैसे काम इंडियन आर्टिस्ट या फिर बाहर के भी आर्टिस्ट ने किया है। आप थोड़ा बहुत यूट्यूब में वीडियोस देखिए अबाउट द इंटरव्यूज़ ऑफ द आर्टिस्ट, या फिर डिफरेंट डिफरेंट क्लब हॉल के अंदर जो चीज़ हुए थे उसके हिस्ट्री के बारे में कुछ थोड़ा बहुत यूट्यूब वीडियो देखिए। कुछ आपको बाय हार्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप एक नॉलेज को गेन करते जाइए, तो वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। थोड़ा बहुत लॉजिकल रीजनिंग है, थोड़ा स्पीड में आपको टाइप करना पड़ सकता है, तो कुछ लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होंगे इंटरनेट पे वो आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर कुछ नीचे लिंक बिलो दे दूंगा, कुछ यूट्यूब वीडियोज़ के, डॉक्यूमेंट्रीज़ के, ग्रेट आर्टिस्ट के लाइफ के बारे में जो डॉक्यूमेंट्रीज़ होंगे उसके बारे में कुछ मैं वीडियोज़ आपको दे दूंगा, तो वो आप देख लीजिएगा, वो थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो इसी तरीके का प्रिपरेशन अगर आपका हो तो आई थिंक आपके लिए काफी बेटर होगा। आप ज्यादा कुछ डरिए मत, वो टाइम फ्रेम काफी कम होता है, जो 30 मिनट का टाइम फ्रेम होता है वो काफ़ी कम इसलिए होता है ताकि आप लोग मतलब खुद से दे उस एग्जाम को, किसी और से या फिर गूगल में सर्च करके ना देखें। और वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो गूगल में सर्च करने के लायक क्वेश्चंस भी नहीं होते, वो जस्ट कुछ अगर आपको आइडिया है आर्ट के बारे में तो आपके लिए बहुत आसान है, और अगर आपको आइडिया नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो वही बात है ना, अगर आपको सच में आर्ट से इतना ज़्यादा प्यार है कि आप उसको हर वक्त सोचते रहते हैं तो वो आपसे आराम से हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने कोशिश की आपको ओवरव्यू देने की कि किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें आते थे, किस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स वहाँ पर थे, तो वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास क्योंकि क्वेश्चन पेपर नहीं है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो गूगल फॉर्म में था तो मैं उसको डाउनलोड नहीं कर पाया, मैं आपको क्वेश्चन पेपर में लाइन बाय लाइन हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं दे पाया। लेकिन आपको अगर पता हो कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है तो वो आप थोड़ा बहुत रेडी हो सकते हैं खुद के लिए। और फिर भी कोई भी गारंटी नहीं है कि इसी टाइप का आने वाला है, क्योंकि हर साल वो लोग का चेंज भी किया जा सकता है, और क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम भी एक नया सिस्टम है तो वो लोग भी अभी ट्राई करते जा रहे हैं न्यू स्टाइल्स। तो इसके लिए आप देखते रहिए, बिल्कुल भी डरिए मत, कोई भी उतना शांतिनिकेतन में कुछ भी ज़्यादा पढ़ाकू या फिर ज़्यादा रट्टा मारने वाला चीज़ इन्फॉर्मेशन बेस्ड नहीं आने वाला, जो भी आएगा आपके लॉजिकल और आर्टिस्टिक सेंस को टेस्ट करने के लिए आएगा। तो अगर आपको ये सब अच्छा लगता है तो नो प्रॉब्लम फॉर यू। सो थैंक यू, और ऐसी और वीडियोस आने वाली है, और कमेंट में प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको क्या और जानना है, आपको कोई और डाउट हो तो प्लीज़ बताइए। इस टाइम काफ़ी क्रूशियल टाइम है, 2-3 और दिन बाकी है एग्ज़ाम के लिए, तो जो भी क्वेश्चन हो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू एंड गुड बाय।